हेलो एवरीवन्स, आज हम करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स को पैक, वो भी बिल्कुल न्यू एंड यूनिक वेज में। तो आप वही गिफ्ट पेपर और रिबन की, फ्लावर की पैकिंग कर करके बोर हो गए होंगे, राइट? सो आज मेरे पास हैं बहुत ही न्यू एंड यूनिक आइडियाज़, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नॉर्मली गिफ्ट को पैक कर लिया है प्लेन पेपर से, जैसे हम यूजुअली करते हैं। तो इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए या कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए ऊपर से आपका गिफ्ट पेपर प्लेन होना चाहिए, राइट? अगर आप डिज़ाइनर पेपर लेंगे तो वो आपकी डिज़ाइन और आपने जो मेहनत की है वो विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर के गिफ्ट पेपर से गिफ्ट को पैक कर लिया है और बस हमें वूल से इसे रैप करते जाना है। बेसिकली आज हम इन गिफ्ट्स को पैक करने के लिए कोई भी अलग से सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है उससे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप जो आर्ट एंड क्राफ्ट करता है उसके पास थोड़ा बहुत सामान तो होगा ही डेकोरेटिव आइटम्स का, तो यहाँ पे मैंने वूल का यूज़ किया है। आप रोप भी ले सकते हैं या आप कोई मैक्रमे थ्रेड है आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितनी जिगजैग लाइन बनानी थी वो बना ली है और पीछे से नॉट लगा दी है अच्छे से। अब सामने से हम यहाँ पे स्टिक करेंगे पॉम पॉम, तो यहाँ पे मैं ग्लूगन की हेल्प से पॉम पॉम को स्टिक कर रही हूँ, अदरवाइज ये निकल जाएगा। और दूसरे अगर ग्लू से आप स्टिक करते हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, बट या उससे भी फेविकोल से भी आप इसे स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलरफुल पॉम पॉम यहाँ पे स्टिक कर दूंगी और आजू बाजू से एक एक लाइन रिबन की भी दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का रिबन भी यूज़ कर लिया है थोड़ा सा, और पीछे से एक सेलो टेप लगा देंगे, एक लेयर सेलो टेप की, बिकॉज ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही जल्दी एकदम यूनिक गिफ्ट पैकिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। ओके, तो चलते हैं सेकंड गिफ्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पॉम पॉम स्टिक कर दिए हैं दो दो, और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मार्कर का। तो ब्लैक मार्कर की हेल्प से हम इसकी ऊपर की डिज़ाइन और लीव्स बनाते जाएंगे। अब इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे होंगे, आपके पास जो सामान अवेलेबल है और जो मैं बना रही हूँ, तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से भी बहुत अच्छे अच्छे वेज में गिफ्ट को पैक कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि इतनी तामझाम क्यों करना, या गिफ्ट ही तो है ऊपर से इसे इतना डेकोरेट क्यों करना, तो या आप हर किसी के लिए नहीं करेंगे, राइट? बट आप अपने लव्ड वंस के लिए ज़रूर कर सकते हैं, उन्हें ये गिफ्ट्स देखकर बहुत खुशी होगी एंड वो बहुत प्राउड फील करेंगे। सो थर्ड वन इज़, इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्विलिंग पेपर का यूज़ किया है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप कलर पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं काट कर। तो बस इससे हम बना देंगे क्रॉस, और यहाँ पे पिंक कलर की स्ट्रिप भी मैं ले लूँगी और बस उससे भी इसे कवर कर दूँगी। क्रॉस बना देंगे और बीच में भी हम आजू बाजू से लाइनिंग्स बना देंगे, वो मैं आगे दिखाती हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैंने स्टिक किया है फोम फ्लावर और उसके ऊपर एक पॉम पॉम, तो ये बहुत क्यूट सा लग रहा है। और उसके बाद बस आजू बाजू से और फ्लावर के ऊपर नीचे से हम वैसी ही स्ट्रिप्स यहाँ पे क्विलिंग पेपर की लगाते जाएंगे। तो रेडी हो जाएगा हमारा थर्ड गिफ्ट। और लास्ट गिफ्ट के लिए हम यहाँ पे रेड एंड पिंक रिबन का यूज़ करेंगे और उसे हाफ ही पैक करेंगे। हाफ में हम इसे इसके एक एक स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे और इसे पूरा कवर कर देंगे। तो आज के हमारे ये चारों गिफ्ट
में से आपका फेवरेट आप जरूर बताइएगा। मेरे तो सारे ही फेवरेट है, तो इन्हें भी हम बस सेलो टेप की हेल्प से धीरे धीरे स्टिक करते जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट मेक श्योर करिएगा कि आपका गिफ्ट पेपर प्लेन हो, कोई भी कलर का हो बट प्लेन हो, और कलर कॉम्बिनेशन गिफ्ट पेपर के हिसाब से आप चूज़ करिएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने लव्ड फंस को ज़रूर ऐसा गिफ्ट पैक करके दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो रेडी है मेरे सारे गिफ्ट्स, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।